गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार राज बब्बर आज अपनी टीम और कांग्रेस विधायकों के साथ गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय में पहुंचे, जहां पहुंचकर राज बब्बर ने नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य तौर पर गुरुग्राम में कूड़े की समस्या, नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और दिल्ली के कूड़े को गुरुग्राम लाकर टैंकर में भरकर अपना टेंडर पूरा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज बब्बर साहब के नेतृत्व में आपने देखा सभी वरिष्ठ नेता, आफ्ताब अहमद जी, मामन जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, आज सभी पूरे लोकसभा के आज एक ज्ञापन दिया है निगम कमिश्नर साहब को। जिस तरीके से गुड़गांव में गंदगी का आलम है और उसके अलावा जो आगे गुड़गांव में बरसात आ रही है, आपने देखा उस तरीके से पानी का भराव ना हो, इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। जितनी भी पब्लिक की समस्या आप देखिए, लोग किस तरीके से आज देखिए पानी की समस्या से जूझ रहे आप देखिए, तो आज कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, उसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई हम बहुत जल्द इन सब चीज़ों का करेंगे। आप देखिए आम पब्लिक का कितना बुरा हाल है, आप देखिए लोग किस तरीके से, देखिए पानी की समस्या से, देखिए आज आप देखिए, ये देखिए आप सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलेनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है, एनजीटी की फटकार लगती है अखबारों में आपके माध्यम से होता है, और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है, और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण, और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी, और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांव जिले के भी अन्य लोकसभा के मिलके आज राजोपन जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज को उठाने आए। आज हमारे डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद साहब के साथ में हम लोग सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और जो गुड़गांव क्षेत्र की और खासकर जो है नगर निगम की जो समस्याएं उनको लेकर हमने यहाँ पर डॉक्टर बांगर साहब से जो है उनसे अपना मेमोरेंडम दिया है। पहला सवाल जो हमने जब उनसे टाइम मांगा था तब कहाँ था, और क्योंकि इसी पर ही हमारी पार्टी ने आने वाला जो इलेक्शन है, जो हमने इलेक्शन में जो गए थे वो हम इन्हीं मुद्दों पर गए थे, और हमारे विपक्ष के लोगों ने हमसे कहा था कि हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हराने की कोशिश की गई, सरकार ने मुझे गंदगी यहाँ पर, पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भर जाना, वो तमाम बातें कही, तो हमें लगा कि हमारी बात उनको समझ में आ गई है और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको यहाँ के लोगों ने चुना है। हम तो उन समस्याओं को उठा ही रहे थे, मेरी पार्टी के नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर जब मैं चुनाव में आया तो इन्होंने मुझे जो मेरे ब्लूप्रिंट दिया उस पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ था, और आज अगर वो मंत्री भी हैं अब तो केंद्र में और वो यहाँ के सांसद भी हैं, हम चाहेंगे वो हमारा साथ दें कि जो गंदगी के मुद्दे थे, जो ज़मीनी मुद्दे थे, उनके अंदर हमारी मदद करें। नहीं, मेरा सभी गुड़गांव वासियों से ही ये अनुरोध है कि जितनी भी सफाई की बात है, सफाई में हम सब ने भागीदारी अपनी दिखानी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जैसा कि ये कई बार इशू आपके बीच में भी आता है कि इको ग्रीन कंपनी के बारे में, उसके बारे में भी एक निर्णय हमें संभावित है कि दो तीन एक दो दिन में ही हमें मिल जाएगा।